बताइए कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, दूसरे चरण में बरेली में चुनाव होना है यानी कि 11 तारीख को, क्या तैयारी है आपकी तरफ से? धन्यवाद। चुनाव 11 तारीख को है। हम लोग जो पिछले कार्यकाल में हमने जो काम कराए हैं, करीब 58 सड़कें हमने करवाई हैं, 80% सड़कें बाकी पड़ चुकी हैं, पेयजल व्यवस्था जहाँ जहाँ नहीं थी वहाँ पेयजल व्यवस्था करा दी। उन्हीं के आधार पर हम जनता के पास जाएंगे और कहेंगे अगर हमारा काम आपको पसंद आया तो हमें वोट दीजिए। और तैयारी तो मैं दो बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तैयारी लगभग सारी पूरी हो चुकी है, सब साथ हैं अपने। नहीं, मूड क्या है आपका, किसी पार्टी के बैनर से या फिर निर्दलीय मूड है आपका लड़ने का? अभी इस बारे में कोई जानकारी ज़्यादा मैं आपको दे नहीं सकता जी, कुछ बातें अभी ऐसी हैं जो मैं बता नहीं सकता। मतलब बातचीत अभी चल रही है। मतलब क्या क्या इसमें अभी तक काम हो चुके हैं और ऐसा कौन से काम है जो पेंडिंग है और आगे कार्यकाल में वो काम आपके द्वारा कराए जाएंगे? पेंडिंग में हमारी दो सड़कें मेन रह गई हैं जो अभी बनना बाकी हैं, एक बूढ़े दरवाजे से लेकर और आपकी एक डोमनी मस्जिद तक की सड़क है, इसका प्रस्ताव लगा हुआ है, संभवतः ये नया बोर्ड घोषित होते ही ये सड़क भी काम इस पर चालू हो जाएगा। एक सड़क कन्हैया टोले की है, वो सड़क रहेगी, बाकी लगभग सड़कें सारी पूरी हो। सारी आपके जो वार्ड में वार्ड 68 आपका लगता है, वार्ड 68 में जो जो सड़कें आ रही हैं, सड़क का काम सब दुरुस्त है? लगभग सब दुरुस्त है। अब बात करें स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट भी लगभग हमारे कार्यकाल में 300 लाइटें हमने एक्स्ट्रा करके लगाई जितनी लगी थी, जहाँ जहाँ गलियों में दे रहा था, अगर कुछ अभी भी कहीं रह गई होंगी भूल चूक या कोई व्यवस्था हो तो वो भी बहुत जल्दी लग जाएगी। क्षेत्र में आपका जाना हो रहा है क्योंकि चुनाव की डेट आ चुकी है, 11 को चुनाव होना है, तो जनता का क्या रुझान लग रहा है आपको? हम तो क्षेत्र में बने ही रहते हैं, एक ये कार्यालय जहां आप बैठे हैं ये सुबह शाम कार्यालय खुलता है, जनता के लोग यहां आते हैं, उनकी समस्याएं यहां पे लिखी जाती हैं, उनका निवारण करा जाता है, जो लोग हमारे कर्मचारी हैं यहां पे बैठे रहते हैं और ये सारी जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए बैठते हैं। चलिए।